यह विस्तारा एयरलाइन के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली टू हैदराबाद फ्लाई कर रही थी ये उड़ान। यूके 829 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है। पल्लव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए राहुल, ये जो विमान विस्तारा की थी दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी यूके 829, और इसकी जैसे ही इसको बॉम्ब छिट की जो है सूचना मिली, उसके बाद विमान को जो है अलर्ट पर रखते हुए इसकी जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो जयपुर एयरपोर्ट पे कराई जा रही है। और आपको याद होगा कि ये कोई पहला मसला नहीं है। कल भी जो है विस्तारा करीब 13 से अधिक विमानों को इस तरह की जो है धमकी दी गई है, और करीब पिछले अगर हम 7 से 8 दिन में देखें तो करीब जो 220 से अधिक विमानी है जिनको इस तरह की जो है लगातार धमकियां मिल रही है। लेकिन जो राहत की बात ये है कि ये जो सारे जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो भी तरीके से सूचना दी जा रही है, वो सारी फर्जी और फेक पाई गई है। इस विमान को लेकर भी अब जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, और अब से थोड़ी देर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की जो है इमरजेंसी जो है लैंडिंग वो कराई जाएगी। उसके बाद जैसे ही जब विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होगी, उसके बाद तमाम यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद पूरे विमान की जो है चेकिंग की जाएगी, और जब चेकिंग करने के बाद करीब 3-3.5 घंटे का जो पूरा समय लगता है पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही तभी विमान को जो है फिर से उड़ने की जो है अनुमति दी जाएगी। राहुल, शुक्रिया आपका पल्लव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, दिल्ली से हैदराबाद जा रही विस्तारा की फ्लाइट यूके 829 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर एयरपोर्ट पर कराई जा रही है बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद।